अरे अरे, हम तो वापस जा रही हैं अपने गांव। मेरा दिल बहुत उदास हो गया है दादी जान से मिलने के लिए। बस हम तो पहुंचने ही वाले हैं। हाँ हाँ बेटा, हम पहुंचने वाले हैं। अरे लगता है रानी बेटा और राजू आ रहे हैं। हाँ बेटा, आ गए हो वापस। बहुत उदास हो गया था दिल तुम लोगों से। खैरियत से हो ना सब? दादाजी, हम वापस आ गए हैं। आपकी नीली वापस आ गई है। अब मुझे पता है आप बहुत उदास हो गए थे मुझसे, और मैं भी बहुत उदास हो गई थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। दादाजी, आप खेतों में क्या कर रहे हैं? लगता है मवेशियों को चारा डालने के लिए आए हैं। आइए पहले मिल लें मुझसे दादाजी। हाँ नीली बेटा, आ जाओ। कैसी हो? बहुत उदास हो गया था दिल तुमसे। आ जाओ, गले लग जाओ दादा के। बहुत दिन लगा दिए तुम लोगों ने, लेकिन आखिरकार वापिस आ गए हो बेटा तुम लोग। अबा जान, आप खेतों में क्या कर रहे हैं? लगता है मवेशियों को चारा डालने आए थे। हाँ चलो ठीक है, फिर नीली भी आपके साथ ही आ जाएगी। हम लोग घर जा रहे हैं। घर जाके अच्छा सा खाना खाते हैं। बहुत दिन हो गए माँ के हाथ का खाना नहीं खाया हमने। जी ठीक है। अरे मेरा मुन्ना वापिस आ गया है। चलो आ जाओ रानी, मुन्ने को भी पकड़ लो आराम से, और आ जाओ अंदर, माँ को मिलते हैं। देखिए माँ, कौन आया? हम लोग वापिस आ गए हैं। अरे बेटा, तुम लोग वापिस आ गए हो, माशाल्लाह। रानी, मुन्ने को लेके अंदर जाओ, मैं ज़रा तांगा खड़ा करके अभी आता हूँ। तुम जाओ अंदर अभी। ठीक है नीली के अब्बा, आप जल्दी से आ जाए, मैं जा रही हूँ अंदर। चलो मुन्ना, अब आप मिलो अपनी दादी से। कितने दिनों बाद हम लोग वापिस आए हैं। अरे बेटा, मुन्ना वापिस आ गया, मेरा मुन्ना। आजो मेरे बच्चे, आजो बच्चे, माशाल्लाह दादी की जान। आज माँ जी चारपाई पे बैठ के बातें करते हैं। और सुनाओ रानी बेटा, तुम कैसी हो? तुम्हारे घर वाले सब कैसे हैं? सब ठीक तो है ना वहाँ पे? और कैसे रहा तुम लोगों का सफ़र? और कैसे दिन गुजारे वहाँ पे? खूब मज़ा तो किया होगा वहाँ पे? और नीली किधर है? कहीं वो अपने दादा जान के साथ खेतों में तो नहीं रह गई? हाँ हाँ माँ जी वहीं हैं। जी माँ जी, हमने वहाँ पे खूब मज़ा किया। सब आपको बहुत दुआएं दे रहे थे और आपको सलाम भी भेज रहे थे। भाई भी ठीक है, अम्मी अब्बा भी सब ठीक है। वो कह रहे थे कि आप भी किसी दिन चक्कर लगाए। हाँ बेटा ज़रूर, मेरा भी दिल करता है उनसे मिलने को। बहुत अरसा बीत गया है उनसे मिले हुए, अब ज़रूर चक्कर लगाऊँगी किसी दिन। अस्सलामुअलैकुम अम्मी जान, कैसी हैं आप? हम लोग वापस आ गए हैं। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो राजू बेटा? अम्मी जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप सुनाएं अम्मी जान, आपने अपनी सेहत का ख्याल तो रखा है ना, और अब्बा जान का भी ख्याल रखा तो है ना? हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे अब्बा जान भी ठीक हैं। और हम वक्त पर अपनी दवाएँ भी लेते रहे हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है हम ठीक हैं बिल्कुल। तुम फिक्रमंद मत हो। चलो नीली बेटा, खेतों में काम ख़त्म हो गया, अब घर चलते हैं। तुम्हारी दादी से भी तो मिलना है ना तुमने। दादी जान, दादी जान, मेरी प्यारी दादी जान, कैसी हैं आप? मैं वापस आ गई हूँ आपसे मिलने अपने घर। हाँ बेटा आ जाओ, इधर बैठ जाओ, दादाजी को भी बैठने दो। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। रानी, मैंने तुम्हारे कपड़े धो दिए थे, शाम को उतार लेना। अरे माँ जी, आपने क्यों तकल्लुफ़ किया, मैं आके धो लेती। आपने खामखा जहमत की। अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं होता। अरे मेरी मानो बिल्ली, जल्दी से नीचे आ जाओ। नीली से नहीं मिलोगी क्या? कितने दिनों बाद वापस आई हूँ मैं। भी उदास हो गई थी तुमसे, और तुम भी हो गई होगी। जल्दी से नीचे आ जाओ। चलो बेटा, सब मुंह हाथ धो लो। कितने दिनों के बाद आज हम इकट्ठे बैठे हैं, तो इकट्ठे मिलके सब लोग खाना खाते हैं।
हाँ हाँ बेटा जल्दी करो, सब उठ जाओ और खाना लगाओ। ठीक है माँ जी। खाना खाने के बाद मैंने एक ज़रूरी बात भी करनी है रानी बेटा तुमसे। ठीक है, हाँ जल्दी उठो रानी, सबके लिए खाना लेके आओ। ठीक है जी। माँ जी खैरियत तो है ना, कौन सी बात करनी है? अरे बेटा परेशान मत हो, खैरियत ही है।